बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, हमारा भी रहीम दस्तरखान इंशाल्लाह ताला आमीन। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल कीश, और इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने कोल्ड बटर लिया है और मैदा लिया है, जिसको मैं अभी मेजर करके दिखाती हूँ आपको वेइंग स्केल पे। और इसके साथ मैंने लिया है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और मिल्क पाउडर लिया 2 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून आइसिंग शुगर है जो नॉर्मल शुगर होती है उसको, और 1 टीस्पून नमक लिया है। बस 1 टीस्पून चाहिए, वो जैसे टार्ट में बनाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और अंडा लिया, अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं अंडा ऐड करूँगी वरना नहीं करूँगी। और इसको मेजर करना ज़रूरी होता है, जैसे 100 ग्राम की बटर की स्टिक्स आती हैं, ये कीश बनाने का वो सांचा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल वो जो जिसमें से केक निकल आता है उसमें भी बना सकते हैं। ये इस तरह होती है, थोड़ी सी इसकी लेयर वो साइड पे इसके निशान से बन जाते हैं। और छोटी भी मेरे पास हैं टार्ट वाली भी, एक मैं इसमें भी बना लूँगी, इसमें भी कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें भी बना सकते हैं। ये एक और टाइप की है, ये भी ले सकते हैं। इन चीज़ों पे एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट होते हैं लेकिन ये चीज़ें काम आती हैं, टार्ट भी बन जाता है, कीश भी, और अगर ये छोटे बनाने चाहें तो इसमें निकल भी आता है ऐसे आराम से। अब मैंने इसको मेजर कर लिया था, जो मैदा और बटर है उसको मैंने ये वेइंग स्केल ले लिया, इसको ग्राम्स में करके तो मैंने कर लिया मेजर। और अगर आप स्टिक जो है वो 100 ग्राम की एक बटर की स्टिक आती है, जैसे वो एक क्या उसको कहते हैं स्टिक ही होती है, और उसमें 100 ग्राम होता है, तो उसको आधा करेंगे तो 150 ग्राम हो जाएगा, फिर आधे का एक और हाफ़ करेंगे क्वार्टर तो 175 ग्राम हो जाएगा। ये मैंने 175 ग्राम बटर लिया है और 150 ग्राम मैदा लिया है। इसको मैंने पहले उसको वेट करके और उसके ऊपर ये कर लिया, इसके उसको इक्वल कर लिया, फिर मैंने इसकी पूरी मेजरमेंट्स ली हैं। और ये थोड़ा सा बेकरी स्टाइल में जो चीज़ें केक्स वगैरह में बनती हैं इसमें ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना ऊपर नीचे हो जाए तो मसला हो जाता है। अब ये मैदा और बटर को हमने कर लिया, अब मैं ये ज़्यादा हो गया था, मैंने इसमें फिर कम किया। वैसे तो ये भी जैसे आप बाज़ार से लेते हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी इनकी मेजरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल के जैसे आटे को करते हैं ना, उसमें भी कर सकते हैं, मशीन में भी कर सकते हैं। मेरे पास मशीन भी है और चॉपर भी है, लेकिन मैंने हाथ से इसलिए करके दिखाया है कि सब लोग नहीं कर सकते, तो ताकि सबके असेस में हो और आप आराम से ये बना लें। और ये मैंने मैदे में ही मिल्क पाउडर डाला है, आइसिंग शुगर डाली है, और ये कोल्ड बटर है, बस मेल्टेड नहीं हो, मतलब नरम हो लेकिन मेल्ट ना हुआ हो, बिल्कुल ठंडा हो, कोल्ड हो। और इसको मैंने ऐसे काट लिया, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, अगर चॉपर में डालेंगे तो एक ही दफ़ा वो क्रम सा बन जाएगा, लेकिन मैंने इसको करके दिखाना था। ज़्यादा इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो कोल्ड जो आपके हाथ के टेम्परेचर होता है उससे मेल्ट हो जाता है। तो बस इन चीज़ों का ये टार्ट में और इसमें ध्यान रखते हैं इनकी चीज़ें बनाने में, मैंने इसलिए ज़्यादा हाथ नहीं लगाया। और ये नाइफ़ भी कोल्ड ही थी मेरी, मैंने इससे थोड़ा पहले मिक्स कर लिए, इस तरह क्रम से बना लिए, उसके बाद फिर मैंने हाथ से जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन सॉफ्ट उसी तरह ही हमने आटे की तरह उसको मिक्स कर लेना। अब मैंने इसलिए जल्दी हाथ नहीं लगाया कि वो ऑलरेडी पहले ही मेल्ट हो जाएगा बटर, तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसको फिर हाथ से करूँगी। और आप बस ये इन्हीं थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बेकिंग में, बाकी बन जाती है वैसे ही, थोड़ी सी थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, मेरे से भी एक गलती हुई है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसको निकालने का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ का स्टेप्स होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आपके सामने बना लूँ ताकि आपको भी यानी कोई मुश्किल ना पेश आए।
तो ये इतनी महंगी मिलती है बाजार से, बेकरी से जब हम लेने के लिए जाते हैं, और वो थोड़ी सी होती हैं, छोटी छोटी टार्ट्स भी छोटे छोटे से होते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपको टार्ट भी करवा सिखाऊंगी। और ये इजी तरीका है, घर में इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। फिलिंग के लिए इसमें थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपने ये ग्लूटेन फ्री बनाना है तो मैदे की जगह आप इसमें एलमंड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, और उससे वो ग्लूटेन फ्री बन जाता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, बस अगर इसमें ज़रा सी ज़रूरत हो तो अंडा डाल सकते हैं, या दूध या पानी। वनीला एसेंस नहीं मैंने डाला था, तो अब मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये नमकीन है, लेकिन वो फिर उसकी सारी स्मेल वगैरह दूर करने के लिए भी मैंने 1/2 टीस्पून किया है। 1 टीस्पून मैंने बताया था, लेकिन वो हाफ तकरीबन मैंने डाला है। थोड़ा इसका आप भी अपने हिसाब से वो ये इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वनीला एसेंस मेरा थोड़ा तेज़ है। और बाकी इसको इसी तरह, ये जो मक्खन है बिल्कुल ऐसा मिक्स हो जाए आटे की तरह, बिल्कुल नरम सा ये बन जाए। अगर ज़रा सा ये अगर आपको फील हो ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा इसमें मैदा डाल सकते हैं, नरम है तो हम मैदा डाल सकते हैं। अगर आपको फील हो थोड़ा सा ये हार्ड है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा अंडा डाल दें, तो वो बिल्कुल नॉर्मल ये इसकी ऐसे हो जाएगी। बस सॉफ्ट सा ये होता है, इसको हाथों से ही बेलने से नहीं करना, बस हाथ से ही हमने टार्ट वाली उस पे सांचे पे लगा देना। अब हम तकरीबन ये बस हो गया, मैं इसको तकरीबन 15 मिनट का ये मैंने इसको रेस्ट दिया। अंडा मैंने नहीं डाला, वो मैंने दिखा दिया कि वो मैंने उसमें रेसिपी में डाल दूँगी फिलिंग में। अब इसको रेस्ट दे देना, और हमने अब ये जो इसकी चीज़ें हैं वो तैयार कर लें। बेटर है इसमें 100 ग्राम चिकन का कीमा ले लें, या साबुत ले लें, चेडर चीज़ है, मोजरेला चीज़ है, 2 अंडे हैं, पालक है, इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था धो के, कुछ नहीं किया, ना बॉईल किया ना कुछ है। और वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1 टी स्पून ले लिया, और चख भी लें अपने हिसाब से। और ये मैंने हेलोपिनोज और वो ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स, ये आपकी मर्ज़ी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 1 टी स्पून उसके लिए, चिकन के लिए। आप पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और मक्खन डाल के, और इसको जिंजर गार्लिक को सोते करके, और चिकन को बस सारी चीज़ें डाल के मैरिनेट कर लूँगी। बस स्पिनिच जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप मोटी डालना चाहें मोटी डाल दें, वैसे थोड़ी बारीक इसमें चॉप कर बारीक काट के कर लें, क्योंकि फ्रेश कभी कभी नहीं मिलती जब चीज़ बनानी होती है, तो आप उसको फ्रीज़ करके रख लें तो वो काम आ जाती है। अचानक कभी पकौड़ों में धनिया नहीं हो तो वो भी यूज़ हो सकती है। अब इट्स अप टू यू कि आप उस उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। थोड़ा सा 100 ग्राम से ये ज़्यादा है, चिकन फिर बच भी गया था। और यहाँ पर मैंने टेट्रा पैक क्रीम डालनी थी 100 ग्राम, वो मैंने नहीं डाली। तो अब आपने अगर यहाँ पर जब ये मैं इसके साथ चीज़ें डालूंगी, तो एंड में आपने क्रीम डालनी है, क्योंकि इसका फिलिंग का क्रीमी सा टेक्सचर होता है। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाली, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसका अल्टरनेट क्या मैंने करना है। और चॉप्ड अनियन भी नहीं मैंने रखा था, तो अब मैंने यहाँ पर एक प्याज को चॉप कर लिया, जैसे अंडे में डालते हैं उस तरह का ऑमलेट वाला चॉप कर लेना प्याज को, और वो भी इसमें। अब चिकन हो गया जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब प्याज थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसमें ये वाइट पेपर डाली है 1 टी स्पून ली है, काली मिर्च है, अब अपने अकॉर्डिंग ले लें, थोड़ा बहुत मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च को तो 1 टी स्पून से कम मैंने नमक लिया। और स्पिनिच में भी थोड़ा सा वो फील होता है कि उसका वो है। बाकी इसको सबको इकट्ठा करके भून लें, और आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, और ये आपकी अप्रिसिएशन ही होती है जो हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और भी, जो वक्त से जो टाइम जिस चीज़ का जैसे हो मुझे भी टाइम मिले तो इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हम इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे।
अब ये मैंने इसमें ये डाल ली स्पिनेच, और ये देखिए मैंने बस फ्रीज़ की हुई थी और कुछ नहीं किया हुआ था इसको, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। 1 कप भर के बस डाल दें तो ये मज़ेदार लगती है। इसमें आप तो मशरूम डाल सकते हैं और प्याज, और इसके साथ स्पिनेच का तो इसका वो है कॉम्बिनेशन जो रेस्टोरेंट वगैरह में कीश मिलती है, उसमें अनियन और यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम डाल लेते हैं। लेकिन हेलोपिनो और ऑलिव्स मुझे पसंद है पर्सनली, तो मैंने इसको खुद डाला वो इसमें, यानी वैसे इंटरनेशनली जो भी है कीश बनती है उसमें नहीं होता। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें, घर पे बड़ी अच्छी बन जाती है। ओवन तो ज़ाहिर है सबके पास ही है आजकल, और मेरा ये छोटू वाला इलेक्ट्रिक ओवन है, मैं उसमें बनाऊंगी। मैं गैस वाले में भी बनाती हूँ, लेकिन बस ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग काम है तो फिर मैंने इसमें बना लिया। और चूंकि एक ही बना रही थी मैं, तो इस वजह से बस ये हो गया। इसका पानी ज़रा ड्राई करना, यहाँ पर बस क्रीम नहीं थी उसमें, क्रीम एंड में यहाँ डालनी थी। अब मैंने इसको ठंडा कर लेना उतनी देर। अब मेरा जो कि जो मैदा और वो रखा था उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक मैं छोटू साहब को बना के दिखाऊंगी और एक मैं बड़े में टार्ट वाले इसमें इसमें बनाऊंगी पैन में, जैसे मकई की रोटी को ऊपर नीचे वो लगा के करते हैं ना क्लिंग क्रैप में करके, तो फिर उसको भी बेल लेते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीके, वो सॉफ्ट सी होती है, तो आप इसको इवनली ऐसे हाथों से करेंगे तो ये बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये इसका टार्ट का स्पेशली सांचा होता है, जो इसके वो कॉर्नर्स बनते हैं वो प्यारे लगते हैं। बस थोड़े सा मोटा पतला इसमें नॉर्मल सा ही है, ये जो बिल्कुल मेजरमेंट है ये 1 पैन की है। तो थोड़ा सा अगर पतला करना चाहें तो और भी आप पतला कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से महसूस हो कि इवन नहीं हुआ, तो मैंने इसीलिए आपको ये करके बता दिया। इसमें छोटे आप वो एक्स्ट्रा जो मैंने रखा है वो इसीलिए बचाया था कि कहीं से मुझे पतला लगे तो आप इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो वो मक्खन है और बहुत सॉफ्ट सा है। फिर दोबारा आप हाथ से ऐसे इवन करेंगे उसको, तो वो फिर वो हो जाएगा। तो जहाँ मुझे लगा मैं पतला है, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लिया, और ये ऐसे बिल्कुल एक जैसा आराम आराम से हाथों से कर लेंगे। तो इन चीज़ों में पेशेंस की ज़रूरत होती है, और बस चीज़ अच्छी बन जाती है। बस इन चीज़ों का थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और आराम से ये काम होते हैं। और मैंने ओवन जो है वो प्री हीट कर लिया इसके लिए, 170 तकरीबन 180 पे रख लें आप ओवन, और 10 से तकरीबन आप देखें बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब यहाँ पर मैंने फोक से प्रिक करने थे, वो नहीं मैंने किए, ये मेरे से गलती हो गई है। क्योंकि अगर फोक से प्रिक करें तो थोड़ा सा ये फूलता नहीं है, वो नीचे ही रहता है। अब इसका एक और भी तरीका है जिसको मैंने फोक से प्रिक करके छोटू को बनाया है, अब वो भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये छोटा रखा था। ये टार्ट वाली मेरे पास हैं छोटे, तो इससे भी छोटा साइज़ मेरे पास है, वो भी छोटे छोटे टार्ट बन जाते हैं। तो ये मैंने इसको भी आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आप इसको इवनली कर लें स्प्रेड, और ये जो दरमियान में जो जगह है इसको अगर फोक से प्रिक करेंगे तो वो फिर फूलेगा नहीं। और यहाँ पर आप फॉइल भी रख सकते हैं, और बटर पेपर रख के इसके ऊपर कोई भी नट्स डाल दें, बीन्स डाल दें, मैंने चने डाल दिए थे इसके ऊपर, आप चावल भी डाल सकते हैं। फिर बाद में उसको तो डिस्कार्ड कर देना है ऑफ कोर्स, जो भी बीन्स डालेंगे। लेकिन इसका क्या होता है, वो जो कीश की जो बेस है वो फूलती नहीं है, क्योंकि हमने इसको जैसे पेस्ट्री का वो होता है ना नीचे वाला टेक्सचर वैसा आ जाता है, फिर मोटा नहीं बनता, फूलता नहीं है इससे। तो मैंने इसलिए वो मेरे से प्रिक नहीं हुआ था। अब मैंने यहाँ पर आपको इसको फोक लगा के ऐसे प्रिक कर लिए हैं सारे को। अब यहाँ पर आप फॉइल रख के भी ये बीन्स डाल सकते हैं, और बगैर फॉइल के भी ये बीन्स डाल सकते हैं, और इससे बेक करना है अब आपको। अब जो मैंने बड़ा वाला वो रखा था उसके अंदर तकरीबन उसको मैंने प्री हीट किया हुआ था, इसको भी तकरीबन रखा है मैंने 10 से 15 मिनट, आप अपने ओवन के मुताबिक कर लें, उसको कलर नहीं आने देना। अब जो मेरा ये बैटर जो है इसका वो ठंडा हो गया था, अब इसका जो
दूसरा प्रोसीजर है वो ये है कि ठंडा होने के बाद इसमें अंडे डालने हैं, और चूंकि मैं क्रीम डालनी भूल गई थी, पूरे दो अंडे मैंने फेंटे थे और उसके बाद मैंने एक अंडा और डाला है। थोड़ा सा लिक्विडी सा होता है, नरम सा होता है, तो मैंने यहाँ पर क्रीम चीज़ डाल दिया। क्रीम क्योंकि यहाँ डालूँगी तो वो पानी सा छूट जाएगा, तो मेरे पास क्रीम चीज़ थी, मैंने 2 स्पून भर के इसमें क्रीम चीज़ डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो मुझे लगा अंडे कम है तो एक अंडा मैंने और डाला है, यानी मैंने टोटल 3 अंडे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास चिकन ज़्यादा था जो एंड में बच भी गया। 100 ग्राम बहुत ज़्यादा है इसके लिए, ठीक है, मुनासिब है, मीन्स तो ये 100 से ऊपर था मेरा। तो फिर मैंने थोड़ा सा अंडा और इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मैंने अंडा और चीज़ सारा कुछ इसी के बीच में मिक्स करना है, और मैंने उसके ऊपर टार्ट, जब वो हो जाएगा 10 से 15 मिनट में तकरीबन, उससे भी कम, अगर आपका ओवन ज़्यादा गर्म करता है, हीट करता है, तो आप उसको चेक कर लें, उसको ब्राउन कलर ज़्यादा नहीं आने देना। तो बस ये फिलिंग उसके ऊपर डाल के दोबारा बेक करना है। अब मैंने ये चेडर चीज़ भी डाल ली है, मोजरेला भी डाल लिया, तो मुझे वो मोजरेला मुझे और ज़्यादा थोड़ी सी डाल दी है, बस हाँ 1 कप मैंने मोजरेला ली और 1/2 कप चेडर ली है, और बस ये चेडर इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने इसमें ऑलिव्स डाल दी हैं और हेलोपिनोस को कट करके डाला है, ये बड़ी थी तो मैंने छोटा कर लिया उसको। अब इसको ऐड कर लिया, और बस ये वो क्रीम नहीं डाला था तो मुझे लग रहा था कहीं लिक्विड कम ना हो जाए, इस वजह से मैंने चीज़ जितनी बाकी रखी थी वो भी डाल ली है। और ये देखें बस हो गया, अगर ये प्रिक लगे होते तो यहाँ से भी इतना ना होता, और अगर बीन्स रख दो तो ये बिल्कुल नीचे वाली बेस ब्राउन भी नहीं होती। मेरी थोड़ी सी ब्राउन इस वजह से हो गई कि मैं भूल गई बीन्स डालना, और ना ही मैंने प्रिक किया। अब ये मैंने गलती की, आपने नहीं करनी, आपने प्रिक भी करना है और बीन्स भी डालने हैं। अब बीन्स ना भी डालें, लेकिन इट्स ओके, आप इसमें वो प्रिक ज़रूर करें। अब मैंने इसके ऊपर वो डाल देना है जो फिलिंग बनाई है चिकन की, कीमा बना लें, चिकन बना लें, इट्स अप टू यू, मटन का, बीफ का कीमा ले लें, वो बना लें, चिकन को छोटे पीस कर लें, क्यूब्स कर लें, आपकी मर्ज़ी है, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए थे, और इसको आप इवनली स्प्रेड करके और दोबारा ओवन में रख के तकरीबन, बस इसको कलर नहीं ज़्यादा आना, इसने अंडे ने बस पकना है और चीज़ ने मेल्ट होना है, बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी कुक्ड हैं। तो स्पिनिच मुझे लगा यहाँ पर थोड़ी सी कम है और होनी चाहिए थी, तो वो जैसे पहले वो ड्राई थी तो पूरा कप था, जब वो बाद में थोड़ी नरम हुई तो वो थोड़ा कम हो गया था। तो पालक अच्छी लगती है, इसमें मज़े की लगती है, बस इसको ज़्यादा कलर नहीं आने देना, नरम नरम सा ही होता ही है। बस हमने 5 से 7 मिनट इसको और करना है, और फिर इसको निकाल लूँगी मैं, आपको निकाल के सर्व करके दिखाऊँगी। छोटू भी मेरा मैंने रखा हुआ है दोबारा, इसको जब निकाला था तो मैंने उसको रख दिया था, अब उसकी भी मैं फिलिंग करके आपको एक दफ़ा वो भी दिखा दूँगी। चने जो डाले थे और निकाले थे वो कैसे रखने हैं और निकालने हैं, इसीलिए मैंने उसका डबल प्रोसीजर दिखा दिया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप बस सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आसानी होगी, और एक ही दफ़ा बना के तो ज़ाहिर है नहीं होता, काम भी जिस वक्त हम करते हैं तो उस वक्त भी स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो ये अब मैंने इसके अंदर फिलिंग करके, अब दोबारा मैंने इसको 170 पे कर लिया, और 170 पे ही है ऑलरेडी, तो जितने में हमें 180 में 170 में केक करते हैं बस उतने टेम्परेचर में करना है। और अगर नीचे का रॉड आपका बंद होता है, नीचे का रॉड बंद करके बस ऊपर का ऑन कर लें, उसको इतना ज़्यादा बेक भी नहीं, क्योंकि इसका टाइम नहीं है। बस ये हो गया है, अब तकरीबन इसको थोड़ा सा और कलर आएगा, मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है, इसको ठंडा करके निकालने का इसका तरीका बस ये है, आराम से आपने इसको किसी चीज़ के ऐसे ऊपर रखना है कि सांचा नीचे से आराम से निकल जाए। अब ये देखें, मैंने इसको कोई भी चीज़ आप ले लें, आप देखें इसके किनारे कितने खूबसूरत आए हैं, बस यही इसकी खूबसूरती है, ये जो किनारे और ये ऐसे आते हैं ना,
इसका मतलब है ये परफेक्ट है। अब इसको आप डिपेंड करता है आप मोटे रखना चाहते हैं पतला रखना चाहते हैं, वैसे इसका यही होता है। मैंने ऐसे ये एक ऊंची जगह पर ऐसे सांचे को रख लिया था। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। उतनी देर में मेरा छोटू भी तैयार हो गया और ये इसका फाइनल लुक है। देखिए बड़ा मज़ेदार बना था। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।